नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में PGT का रिजल्ट आ गया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो भर्ती हुई थी उसमें 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी संशोधित आंसर की जारी नहीं होगी, और इस पर प्रावधान ये किया गया है कि ये जो संशोधित आंसर की है आपकी, ये इसके रिजल्ट शीट के साथ ही जारी होगी। तो सबसे पहली बात तो इसका रिजल्ट जारी हो गया है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहां देख सकते हैं आप, ये रिजल्ट जारी हो चुका है, यूपीएसई एसएसबी यूपी पीजीटी 2021 रिजल्ट। जैसे हम यहां क्लिक करेंगे, हम यहां क्लिक कर देते हैं, तो आप ये देखिए यहां रिजल्ट का पूरा डिटेल जारी हो चुका है, और इसमें यह आपका डिटेल बताया हुआ है कितनी सब्जेक्ट में कितनी सीटें थी। और यहां डाउनलोड रिजल्ट पे जाएंगे, देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ इंग्लिश साइकोलॉजी संस्कृत आर्ट लॉजिक मिलिट्री साइंस होम साइंस और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इनका रिजल्ट जारी हुआ है। कुल 12 सब्जेक्ट है। जैसे हम संस्कृत के रिजल्ट पर क्लिक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ देखिए ये रिजल्ट जारी हो चुका है, ये इसकी रिजल्ट शीट है, पीजीटी संस्कृत लिखा हुआ है, और यहाँ 853 कैंडिडेट है जिनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। इस प्रकार आप यहाँ पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो काफी भाग्यशाली हैं और जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब जो आगे प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो ये प्रोसेस होने वाला है कि यहाँ आपको अब एक लेटर जारी किया जाएगा जो आपका इंटरव्यू लेटर होगा, और वो 10 दिन में जारी हो सकता है आपके लिए, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ इंटरव्यू लेटर भी जारी हो जाएगा। और आप और भी यहाँ रिजल्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ मैथ का रिजल्ट देखना चाहें या इंग्लिश का देखना चाहें तो इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ इंग्लिश में 1047 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन सबके अभी जल्दी इंटरव्यू लेटर्स भी कॉल हो जाएंगे। तो अब बड़ी बेसब्री से पीजीटी का जो वेट है वो है हमें इंटरव्यू लेटर्स का, तो वो आपको 10 दिन में जारी हो जाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इस बार ये चेंज भी किया है, दो चेंज किए गए थे। पहला ये कि आपकी संशोधित आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट के साथ ही आएगी, जो ऐसा हुआ है। दूसरी बात, आपके 10 दिन में इंटरव्यू कॉल्स भी आ जाएंगे। ये जो समय सीमा थी 21 दिन की, इसको घटा करके 10 दिन किया है, ताकि आपका जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सके। अब बात कर लेते हैं टीजीटी रिजल्ट की, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के रिजल्ट की, तो वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं है। अब वो भाई बहन जो रीट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दो तीन चीजें उनको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली बात तो मेरे भाई, आपकी तैयारी जो भी हो गई है अब हेडक नहीं लेना है, क्योंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात, बसों में या यातायात के साधनों में भीड़ काफी है, तो अपने साधन से जाएं तो ज्यादा बेटर है, और थोड़ा सा सावधानी रखें। तीसरी बात, खाने पीने की व्यवस्था अपने घर से करके लेकर के जाएं, वो ज्यादा बढ़िया है। चौथी बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो मास्क लगाकर नहीं जाएं, मास्क आपको वही मिलेगा। पांचवी बात, हाफ बाजू की शर्ट पहने, शर्ट में कोई जेब नहीं हो, ज्यादा अच्छी बात है। अपने पास केवल एक दो पेन रखें, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना है। मोबाइल वगैरह भी आप नहीं लेकर के जाएं। सेंटर पे आप एक बिल्कुल हल्का सा पजामा और टी शर्ट पहन के जाएं तो ज्यादा बेटर है, हाफ बाजू का होना चाहिए, बाकी सिर पर कुछ भी नहीं। और जो मेरी बहन है वो किसी भी तरह के ऑर्नामेंट्स का यूज ना करें, इवन दैट अपना उनको मंगलसूत्र भी उतारना पड़ सकता है, क्योंकि ये व्यवस्था टीपने टिपाने के चक्कर में ऐसी हो रही है, तो इसको ज्यादा भावनात्मक रूप से लेने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के आप इन सब चीजों को हटाएं और एक जस्ट फॉर्मल ड्रेस में अपने को एग्जाम देने जाना है, जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस है। हालांकि बहुत सारे इसमें कंट्रोल रूम नंबर्स जारी किए हुए हैं, सरकार प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा हुआ है, फिर भी सहयोग आपका रहेगा तो व्यवस्थाएं आप ही के लिए बेटर रहने वाली है। तो ये था डिटेल टीजीटी पीजीटी रिजल्ट 2021 उत्तर प्रदेश का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।